अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। आपको एक नई सुबह मुबारक हो। और जनाब, हमारी जैसे कि हाउसवाइफ के काम होते हैं स्टार्ट हो चुके हैं। कब के नाश्ता बना के दे दिया। और ये शाफे साहब का बैग है, आज माशाल्लाह से वो स्कूल जा रहा है। और अब्दुल्ला का बिस्तर समेट रही थी तो देखें उसका जो है ना वो चरपाई वो काफ़ी टूट गई है, बीच में काफ़ी होल हो गया है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो आज इंशाल्लाह इसका जो पट्टी वाला बान होता है वो मंगवाऊंगी और फिर देखते हैं कि आज वो मिलता है या नहीं मिलता, फिर क्या करते हैं इसका। तो बस बिस्तर वगैरह समेटे हैं मैंने और शाफे भाई जो हैं वो हमारे रेडी हो रहे हैं। ये देखें, अभी यूनिफॉर्म इसका नहीं लिया, मैंने कहा 2-3 दिन ऐसे ही जाके देखो छुट्टियाँ ना हो जाएँ फिर से। तो माशाल्लाह प्यारा सा तैयार हुआ है। शानी सलाम करो। सलाम अलैकुम ऐसे करते हैं, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम कहते हैं। और इमरान देखें अभी नाश्ता खा रहे हैं। अस्सलाम अलैकुम। तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बस टाइम थोड़ा, फिर बच्चों को छोड़ के आना है। और अब्दुल्ला को बहुत ठंड लग रही है। अब्दुल्ला साहब हमारे सुबह सुबह नहाते हैं, उनको आदत है सुबह सुबह नहाने की, साफ़ सुथरा रहने की। तो वो नहा के आए हैं तो उनको सर्दी ज़्यादा लग रही, तो फिर मैंने चूल्हे के पास इस तरीके से खड़ा कर दिया। मैंने कहा थोड़े से ना हाथ सेको तो सही हो जाएगा। और आज ये लाइट मैंने इधर सेट की है क्योंकि आज मैंने रखनी है मशीन, और इंशाल्लाह अपने कपड़े जो है ना वो 1-2 सूट जो है वो इंशाल्लाह लाजमी सीने। तो यहाँ अच्छी रोशनी आ रही है, यहाँ बैठ के फिर मैं कपड़े सीऊँगी। तो चाय हमारी रेडी हो रही है, तो रेडी होती है तो फिर मैं इमरान को डाल के देती हूँ। देखें व्यूअर्स, नाश्ता देने के बाद फ्री होकर बस सफाई की मैंने, और आज बाकी और कोई काम नहीं किया, आज मैंने सिर्फ अपना सूट ही सिलाई किया है। तो उसका ना एक मसला हो गया, ये लीलन का 2 पीस था तो, लेकिन बाजू के लिए जो कपड़ा है ना वो बहुत काम निकला। ये देखें 1/4 भी नहीं सही तरीके से बन रहे थे, तो फिर मैंने आगे ये डबल करके इस तरह मेरे पास लॉन का कपड़ा पड़ा हुआ था गुम सिलाई से, मैंने इस तरीके से लैस लगाई है। देखें माशाल्लाह कितनी सफाई से आई है लैस, और बहुत प्यारी लग रही है। तो ये शर्ट मैंने सी है अपनी, देखें ये शर्ट सिल गई है। और ये इसका जो था ट्राउज़र ये सिया है मैंने, तो ये ट्राउज़र नहीं सिया मैंने तो सीधी शलवार सी है, बीच में इस तरह की मैंने लाइनिंग दी है, और साथ फिर इसको भी इस तरीके से ना लैस लगा ली है, इस तरीके से लैस लगाई नीचे से रख के। तो इसका भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह। तो आज मेरा 1 सूट सिल गया है, अब 2 सूट रह गए और मेरे, तो अब वो इंशाल्लाह कल ट्राई करूँगी क्योंकि बस आज एक ही सीखे ना हिम्मत नहीं रही, क्योंकि बंदा रोज़ काम करता रहा ना एक तो उसको आदत होती है, तो मुझे बिल्कुल भी अब आदत नहीं रही थी। तो आज तो 1 सूट भी निकालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया है। तो बस अब दोपहर का खाना बनाना है बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। अनाया को तो छुट्टी थी लेकिन अब्दुल्ला और शाफे जो हैं वो दोनों स्कूल गए, तो बस मैं खाना बनाती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट मिलती हूँ। तो अभी बस दोपहर का खाना बच्चों को बना के दिया आज अनाया ने, और दाल चावल बनाए हमने दोपहर को क्योंकि मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, तो फिर अनाया ने ही सारा काम किया। और यहाँ देखिए मेरा अब्दुल्ला जो है ना वो अपनी चरपाई का सारा जो बान है वो काट रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी तो डर था कि अब्दुल्ला का पटाखा ना बज जाए रात को। मैं काटूं आपके साथ कभी हुआ है? नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने बच्चों के साथ भी नहीं होने दिया, मैंने इसलिए पहले टाइम से पहले इसको निकाल दिया है बाहर। इनके पापा आज इंशाल्लाह ले आएंगे बांध, तो फिर बनाएंगे चरपाई। तो देखें भी बस अब मैं चरपाई बना रही हूँ, इमरान ले आए थे ये वाला बांध लेकर आए हैं जिससे मैं अब्दुल्ला की चरपाई बना रही हूँ। और मेरी कमर इतनी दर्द कर रही क्योंकि बहुत झुकने वाला काम है, रोज़ रोज़ का काम होता है, इंसान को आदत होती है। तो उनकी हिम्मत को सलाम जो इतना मुश्किल काम करते हैं और हम लोगों के लिए इतनी मेहनत से चारपाइयाँ तैयार करते हैं, बहुत मुश्किल काम है। अभी बस हमारी जो चारपाई है वो रेडी हो चुकी है, बस इसी तरीके से मैंने बनाई है, सिंपल सी गुजारा किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मुकम्मल बन गई। इमरान ने और शाफे ने मेरे साथ बहुत काम करवाया है, तो उसे बहुत था अब्दुल्ला को कि जी मेरी चरपाई टूट गई है तो आज में वो बन जाए। तो इसके बाबा फिर लेकर आए थे तो फिर सब ने मिल के तो ये तैयार कर ली है।